ट्रेड विद कामरान भवानी, क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं? तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें, हम आपको देंगे बरवक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर रابطہ करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूं। आप देख रहे हैं YouTube का चैनल सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। हाय, मजे ही मजे आए, मजे जी जी बिल्कुल। इन्वेस्टर्स को मजे आ रहे हैं क्योंकि इन्वेस्टर्स को एक अच्छा ध्यान मिल रहा है, एक अच्छा व्यू मिल रहा है हमारे प्लेटफॉर्म से, और मुसलसल स्टॉप लॉस के साथ व्यू दिया जा रहा है कि मार्केट का व्यू तेजी है। 45,200 तक देखा जाए तो मुसलसल आपको स्टॉप लॉस दिया गया और आपको टारगेट दिया गया 47,000 का, अल्हम्दुलिल्लाह लेवल अचीव हुआ। इसके साथ साथ अगर आपको याद हो कि अगस्त के मंथ में जब मार्केट ने करेक्शन ली थी 3,500 पॉइंट की, उसमें ज्यादातर लोगों का यही मानना था कि मार्केट अब डाउन हो जाएगी और कोई ऐसी न्यूज नहीं है और मार्केट और खराबी की तरफ जाएगी, लेकिन ये वाहिद हम थे जो बता रहे थे कि मार्केट ने जुलाई के अगेंस्ट में अगस्त में करेक्शन ली और सितंबर का मंथ सही रहेगा और अक्टूबर आपका आने वाला अक्टूबर जो होगा उसमें मजीद आप बेहतरी देखेंगे। इवन के बहुत से पास्ट माजी में अगर देखा जाए तो लोगों ने 50,000 इंडेक्स की बातें भी की है जो कि नाकाम हुए हैं, 50,000 का लेवल क्रॉस नहीं करवा सके, लेकिन खैर हमने कोई ऐसा दावा नहीं किया न ऐसी कोई बात की। लेकिन लास्ट मंथ में आपको याद होगा सितंबर के मंथ में हमने 45,200 का लेवल दिया और आपको टारगेट दिया कि 50,000 का इंडेक्स अब हो सकता है अगर 45,200 का लेवल नहीं टूटता, तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट उससे अगर देखा जाए तो अब तक 47,000 की तरफ आ चुकी है और तकरीबन देखा जाए 2,500 पॉइंट मार्केट रिकवर कर चुकी है। आज की मार्केट को हमने देखा कि मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ और मार्केट मुसलसल पॉजिटिव परफॉर्म करती गई। 442 पॉइंट का मार्केट हाई लेवल टेस्ट किया, 47,199 का हाई बना के 47,079 के करीब पॉजिटिव क्लोज रही। वॉल्यूम्स में इजाफा हुआ, 330 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए जो कि कल के वॉल्यूम से ज्यादा थे, कल 213 मिलियन के वॉल्यूम्स थे। टॉप वॉल्यूम लीडर आपके स्क्रीन के ऊपर है जिसमें WTL, PRL, BIPL टॉप वॉल्यूम लीडर है। टॉप गेनर्स में कॉलगेट, मेमो टेक्सटाइल टॉप गेनर्स रहे। अगर टॉप डिक्लाइन देखें तो बाटा, मारी पेट्रोलियम, इंडस मोटर, केबर टोबेको टॉप डिक्लाइनर रहे। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में देखा जाए तो आज टॉप पे कमर्शियल बैंक्स रहे 271 पॉइंट्स, क्योंकि इनके प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले में बहुत इजाफा हो चुका है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस अच्छी रही। फर्टिलाइजर सेकंड नंबर पे रहा 33 पॉइंट। इसके अलावा भी अगर हम देखें केमिकल सेक्टर, पावर जनरेशन, सीमेंट सेक्टर, इनमें पॉजिटिविटी रही। अगर नेगेटिव साइड पर देखें तो ऑयल एंड गैस में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखी गई 30 पॉइंट्स की, टेक्नोलॉजी, इंश्योरेंस और इनमें हमने स्लाइटली गिरावट देखी। अगर हम डॉलर के वाले से देखें तो डॉलर आज 284.68 पैसे के पास ट्रेड करते हुए नजर आया। मुसलसल डॉलर में कमी हो रही है और मुसलसल जो गिरावट एक्सपेक्ट की जा रही है, आर्मी चीफ जो हमारे जनरल आर्मी चीफ है इनका यही कहना है कि डॉलर जो है वो 250 तक लाएंगे, एक्सपेक्टेशन ये कि 250 तक आ सकता है जिसकी वजह से मजीद बेहतरी आ सकती है हमारी मईशत में भी, हमारी स्टॉक मार्केट में भी। गोल्ड के हवाले से अगर हम देखें तो आज पाकिस्तान में पी तोला गोल्ड की जो कीमतें 1,95,600 के करीब ट्रेड होते हुए नजर आ रही है, लेकिन ये भी अगर देखा जाए तो ऑफिशियल स्टार्ट नहीं हुई और एक्सपेक्टेशन यही है कि 1.80 से लेके 1.50 तक यानी गोल्ड डाउन हो सकता है और मजीद गिर सकता है। इसके साथ ही आज जो सबसे बड़ी सरप्राइज और अच्छी न्यूज जो रही वो ये थी कि स्टेट बैंक पॉलिसी रेट लाइकली टू फॉल टू 19% बाय एंड ऑफ द फिस्कल ईयर 24, यानी कि साल 2024 के एंड तक ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 19% का इंटरेस्ट रेट हो सकता है। इस वक्त 22% है, यानी कि ऑलमोस्ट 3% की गिरावट देख सकते हैं, तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी अगर इस तरह की चीज होती है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो एयरलिंक का अनाउंसमेंट रहा, 2.5 रुपए का कैश डिविडेंड अनाउंस किया, आउटस्टैंडिंग रहा, इसकी स्पेशल कॉल दी गई थी आज के दिन में और ऊपर का लॉक भी लगा। मुल्क में कपास की जो पैदावार है 71% का रिकॉर्ड इजाफा हुआ, जबकि ECC ने फर्टिलाइजर प्लांट के लिए गैस की कीमतों में तब्दीली पर गैर फैसला कुन रहा जिसमें अभी तक डिसाइड नहीं कर सके। इसके अलावा सऊदी सरमाकारी की तरगीब देने के लिए ग्रीन फील्ड रिफाइनरी पॉलिसी की मंजूरी, जबकि पाकिस्तान सऊदी 10 अरब के सौदे की अतमी शक्ल दिए जाने का मुंतजिर है, इस तरह की भी पॉजिटिव न्यूज चलती रही। रेक्विडिक प्रोजेक्ट में 7 अरब डॉलर के हिस्से की खरीदारी पाकिस्तान को सऊदी अरब सरमाकारी की भी मुतवक है। ज़राअत, मादनियात अगर देखा जाए तो इनके हवाले से तवानाई, IT से मुतालिक शोबे को भी मंजूरी दी जाएगी। ये सारी पॉजिटिव न्यूज थी जिसकी वजह से हमने देखा कि मामला थोड़े से बेहतर हुए
और IMF का जायजा मिशन वक्त रवा माह के आखिर पाकिस्तान का दौरा करेगा। इसके अलावा स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन के काउंसिल की देखा जाए तो मीटिंग भी थी और IMF वक्त जुलाई के सितंबर तक पाकिस्तान की मैशत का जायजा लेगा। IMF वक्त पाकिस्तान इकदाम से मुतमईन हुआ तो 70 करोड़ डॉलर की किस्त जारी करने की सिफारिश यानी की करेगा जराए। ये सारी न्यूज पॉजिटिव थी जिसकी वजह से हमने देखा। इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका 87 डॉलर और तकरीबन 50 सेंट पास ट्रेड कर रहा है। आपको याद होगा कि कल 90 का लेवल दिया गया था, बताया गया था कि वहां पे शॉर्ट कीजिएगा, 90 में स्टॉप लॉस होगा और ये गिरावट की तरफ जाएगा, 87.50 का लेवल या 87 का लेवल टच करेगा। इससे चूंकि गोल्ड आपका गिर चुका है, 87 से लेकर 86 तक जा सकता है और शॉर्ट रिकवरी कर सकता है, लेकिन लॉन्ग व्यू मंदी है, 86 से लेकर 83 तक मंदी है। शॉर्ट व्यू में अगर 88 से 90 तक आता है तो शॉर्ट सेल करें, 91 को स्टॉप लॉस रखें। गोल्ड सिल्वर आपके हाईली ओवरसोल्ड है और गोल्ड 1840 पे चल रहा है, 1860 से लेके 1880 तक जा सकता है। सिल्वर अगर हम देखें तो 2135 के पास चल रहा है, 2150 से लेके 22 रुपए तक जा सकते हैं सिल्वर। और डॉलर इंडेक्स में गिरावट हो सकती है, आज डॉलर इंडेक्स में गिरावट हुई है 25 पॉइंट की, इसमें मजीद गिरावट एक्सपेक्टेड है। अगर हम रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल देखें, 47,255 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 46,901 हमारा सपोर्ट लेवल होगा, 333 पॉइंट ओवरबोट है, जबकि साल के हिसाब से मजीद इजाफा हो रहा है, 3,310 पॉइंट ओवरबोट की साइड पे मार्केट बढ़ रही है। जहां मार्केट बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ओवरबोट होगी वहां आपने प्रॉफिट टेकिंग पोर्टफोलियो खाली करना होगा। फिलहाल मार्केट ओवरबोट की साइड पे परफॉर्म कर रही है। अगर हम ग्राफ के हिसाब से देखें तो टेक्निकल चार्ट के हिसाब से जो व्यू दिया गया था शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से कि मार्केट का व्यू तेजी है और आपको डे बाय डे एक स्टॉप लॉस दिया जाता है, उसके बाद एक तेजी कॉल की जाती है। चूंकि मार्केट अपना यानी कि हाईएस्ट लेवल की तरफ आ चुकी है, 47,250 हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, अगर मार्केट इसको ब्रेक इन सस्टेन कर जाती है तो मार्केट 47,500 से लेकर 600 के दरमियान जाएगी। लेकिन ये जो 47,250 से लेकर 600 का लेवल होगा इसमें शॉर्ट प्रॉफिटिंग आ सकती है, तो आपने इस एरिया में बड़ी एहतियात से ट्रेडिंग करनी है। सपोर्ट लेवल में जो हमारे पास सपोर्ट लेवल है 46,900 का लेवल है, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर करेक्शन मजीद यानी कि मंदी की शक्ल इख्तियार कर सकती है। फिलहाल 47,250 से लेके 550 जो हमारा प्रॉफिट टेकिंग एरिया है, यहां पर आपने बढ़ चढ़कर अग्रेसिव होकर स्टॉक नहीं लेना है, उन स्टॉक्स में काम करना है जिनके लॉन्ग ग्राफ तेजी के हो, जो हम आपको बताएंगे इस वीडियो के आखिर में। इसके अलावा अगर हम डे के चार्ट के ऊपर देखें तो मुसलसल कल भी हमने आपको ये कहा था कि व्यू पॉजिटिव है और मार्केट ने 47,000 से देखे 47,200 का लेवल टेस्ट करना, अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने टेस्ट किया। इस वक्त अगर हम देखें तो आज भी क्लोजिंग काफी बेहतर रही है और मजीद एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 46,900 का लेवल जो कि स्टॉप लॉस है, ब्रेक नहीं होता है तो मार्केट 47,200 से लेके 500 का लेवल चेस कर सकती है। तो आपने इस एरिया में प्रॉफिटिंग करनी है, मार्केट में अभी भी तेजी है, 250 से 500 पॉइंट की, लेकिन उस एरिया में आपने प्रॉफिटिंग करें, व्यू तेजी है। इसके अलावा अगर हम बात करें मार्केट के अंदर यानी कि स्टॉक के हवाले से तो देखिए कल स्टॉक दिया गया था म्यूचुअल फ्रूट्स, अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर का लॉक लगा, हमने आपको बताया था कि 83.75 वाला स्टॉक 90 रुपए होने वाला है, आज 87 से ऊपर का लॉक लगा, इंशाल्लाह कल 90 रुपए हो जाएगा। सेकंड नंबर पे एक स्टॉक और है मुगल जो कि 51 पे चल रहा है और अनकरीब 53 से लेके 55 होने वाला है, तो मुगल को देखा जा सकता है। इसके अलावा कल सीमेंटो में ध्यान दीजिएगा जिसमें डीजी खान इस वक्त 44 चल रहा है, 46 से लेके 48 होने वाला है, इसको थोड़ी सी लॉन्ग इन्वेस्टमेंट में डाल सकते हैं मुगल डीजी खान को। जिसके जबकि तीसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो मैपल लीफ सीमेंट है, मैपल लीफ सीमेंट 31 रुपए तक हो सकता है, 30 रुपए के करीब चल रहा है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो बैंकिंग सेक्टर, जैसे कि आज बैंकिंग में हमने एक एप्रिसिएशन देखी, थोड़ी सी कल करेक्शन होती है तो कल इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, एक आध दिन बाद दोबारा इनमें रैली स्टार्ट होगी, क्योंकि आज रैली का मकसद मजीद एक दो दिन बाद थोड़ा सा एडजस्टमेंट के बाद दोबारा रैली को कंटिन्यू करना है, जिसमें हबीब बैंक है, जिसमें UBL है, जिसमें आपका मिजान बैंक भी है, तो ये परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। बाकी अगर हम देखें तो एयर लिंक की आज स्पेशल कॉल दी गई, अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट अचीव हुआ, स्पेशल ग्रुप में टाइमली बाय कॉल सेल कॉल और जो स्टॉक्स बढ़ने वाले होते हैं उनकी कॉल दी जा रही होती है, बताया जा रहा होता है कि ये स्टॉक बढ़ने वाले इनके अंदर अच्छी रैली बन रही, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके टारगेट्स अचीव होते हैं। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को। तारीख ग्लास के ऊपर खास नजर रखें, आज 80 का लेवल क्रॉस कर गया, 83 से 86 होने वाला है तारीख ग्लास, तो तारीख ग्लास में भी एक अच्छी रैली बन सकती है। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज़।